नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की साइंस के परीक्षार्थी का रिजल्ट का इंतजार आज खत्म होने वाला है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रिजल्ट जारी करेंगे। अमेरिका जाने से पहले झारखंड की चयनित महिला हॉकी खिलाड़ियों का सीएम हेमंत सोरेन कैसे बढ़ाया हौसला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य की बच्चियां खेल की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वे अपने प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। हमें अपने खिलाड़ियों पर नाज है। ये बातें उन्होंने कल शिष्टाचार मुलाकात करने आई महिला हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत के क्रम में कही। हॉकी की इन प्रतिभावान बच्चियों का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाले 3 सप्ताह के खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री इन 5 हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। सरकारी स्कूलों में तीसरी बार बदला पोशाक का रंग, इसी सत्र से हरी पोशाक पहनेंगे स्टूडेंट। झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोशाक का रंग बदलेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर पोशाक के रंग में बदलाव किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेजा गया था। शिक्षा मंत्री ने सहमति दे दी है, साथ ही पोशाक का रंग भी तय कर लिया गया है। अब कक्षा 1 से 5 और 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के पोशाक का रंग और डिजाइन अब अलग अलग होगा। अब तक सभी कक्षाओं के बच्चों का पोशाक का रंग एक ही होता था। राज्य में मानसून सक्रिय, 22 जून को वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में मानसून सक्रिय है। रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। संथाल परगना के आसपास के जिलों में मानसून का अच्छा असर रहा। इसके साथ ही झारखंड में मौसम विभाग केंद्र की ओर से 22 जून को बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है, साथ ही वज्रपात की आशंका जताई गई है। कोल इंडिया के कर्मचारी अब झारखंड के जानिए किन 23 अस्पतालों में उठा सकते हैं मेडिकल स्कीम का लाभ। कोल इंडिया ने अपने कर्मियों के इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जारी की है। कोल इंडिया ने पूरे देश में 364 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, उनमें राज्य के 23 अस्पताल भी हैं। वहीं राजधानी रांची के 3 नए अस्पताल पल्स सैमफोर्ड और माँ रामप्यारी अस्पताल भी शामिल किया गया है। कर्मी और उसके परिजन अब इन अस्पतालों के सभी तरह का इलाज कराकर कोल इंडिया की मेडिकल स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड के गढ़वा में 23 जून को सभी ब्लॉक में लगेगा मेगा कैंप, किसानों को मिलेगा केसीसी का लाभ। गढ़वा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में 23 जून को केसीसी वितरण के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से अभियान चलाते हुए योग्य किसानों को केसीसी से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए पिछले दिनों गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में योग्य किसानों को केसीसी के लाभ को आच्छादित करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से पीएम किसान योजना के लाभों का हासिल सहित जिले के सभी बिरसा किसानों को एवं अन्य को 100% केसीसी का लाभ मुहैया कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया था। जैक मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर होगा 1 से 7 का मूल्यांकन। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर की तर्ज पर 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा का कापियों का मूल्यांकन किया जाएगा। एक संकुल के स्कूलों का मूल्यांकन कार्य दूसरे संकुल में कराने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। मूल्यांकन कार्य 21 जून से शुरू होना है और 25 जून तक का काम पूरा लेना है। 30 जून तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग 1 जुलाई से स्कूलों का नया सत्र शुरू करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन संकुल स्तर पर किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक संकुल में आने वाले सभी विद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच नजदीक के दूसरे संकुल में की जाएगी। इसमें उसी संकुल के शिक्षक मूल्यांकन कार्य करेंगे। महाराष्ट्र के एक ही परिवार के 9 लोगों ने की आत्महत्या, जाने क्या है वजह।
महाराष्ट्र के सांगली जिले में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां मिराज तालुका के महसाल में एक ही परिवार के 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली। परिवार के सभी सदस्यों ने जहर पीकर जान दी। मरने वाले सभी सदस्य एक ट्रेनी डॉक्टर के परिसर से संबंधित थे। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में रोपवे हुआ खराब, रेस्क्यू कर लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश के परवाणु के रोपवे यानी केवल कार में दिक्कत आने के बीच हवा में करीब 11 टूरिस्ट फंस गए। फिलहाल उनको बचाने के लिए दूसरी केबल कार ट्रॉली भेजी गई है, जिसमें 8 टूरिस्ट को बचा लिया गया है, जबकि 3 को रेस्क्यू जारी है। पेंशनरों को सीएम का बढ़ा तोहफा, पेंशन में 3,000 की वृद्धि, खाते में बढ़कर आएगी यानी कितनी राशि। उत्तराखंड के पेंशनरों और पत्रकारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पत्रकार पेंशन राशि को बढ़ा दिया गया है। इस पेंशन राशि में 3,000 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही पेंशन से संबंधित नियमों का सरल बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। ओवैसी के रांची एयरपोर्ट से बाहर आने पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जाँच शुरू। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के रविवार को झारखंड के रांची एयरपोर्ट से बाहर आने के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ओवैसी मांडर उपचुनाव प्रचार के लिए रांची पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जांच के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक की संयुक्त समिति का गठन किया गया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में 27,000 करोड़ के कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन का हुआ शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में 27,000 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये परियोजनाएं कर्नाटक के युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों को नई सुविधा देने के साथ में अवसर देंगे। बकौल प्रधानमंत्री, बेंगलुरु देश के लाख युवाओं के लिए सपनों का शहर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 मुख्य शूटर गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को कहा कि उसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटर के मॉड्यूल हेड समेत 2 मुख्य शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इनके पास से ही बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मूसेवाला की पिछले महीने पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीएम मोदी ने IISc बेंगलुरु में नए ब्रेन रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। उन्होंने बेस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 करोड़ से अधिक की रेल व रोड परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया अपने बेड़े में 200 से अधिक नए विमान शामिल करने की बना रही है योजना। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपने बेड़े में 200 से अधिक नए विमान शामिल करने की योजना बना रही है, जिनमें से 70% नैरो बॉडी वाले विमान होंगे। गौरतलब है कि एयर इंडिया ने आखिरी बार साल 2006 में 111 विमान खरीदे थे। इनमें से अमेरिका कंपनी बोइंग के 68 और यूरोपीय कंपनी एयरबस के 43 विमान थे। थल सेना ने अग्निपथ भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, जुलाई से शुरू होगा पंजीकरण। भारतीय थल सेना ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि जुलाई 2022 से अग्निपथ के लिए पंजीकरण शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के मध्य में शुरू होगी। अग्निपथ के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन के बीच यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद के आह्वान के बीच रेलवे ने रद्द की 529 ट्रेनें। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर भारत बंद के आह्वान के बीच रेलवे ने सोमवार को 529 ट्रेनें रद्द की। रेल मंत्रालय के मुताबिक रद्द की गई ट्रेनों में 181 मेल एक्सप्रेस जबकि 348 यात्री ट्रेनें हैं। बकौल मंत्रालय 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेन आंशिक रूप से रद्द है, जबकि कोई भी ट्रेन वार्ड नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराए 7 आतंकी। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के बीते 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक कुपवाड़ा में 4, पुलवामा में 1 और कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बकौल IGP कश्मीर, बेगुनाह नागरिकों को मारकर आतंकी घाटी के शांत
स्थापना की कोशिशों को नाकाम नहीं कर सकते। आतंकियों के खिलाफ हमारे अभियान जारी रहेंगे। केंद्र ने अग्निपथ पर फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप का लगाया प्रतिबंध। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अफवाह फैलाने वाले और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले के आरोप में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय आगे बताया कि व्हाट्सएप फैक्ट चेकिंग के लिए 8799711259 नंबर भी जारी किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।